हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सबका हिस्ट्री क्लास में वेलकम करती हूँ। चलो मैं स्लाइड लगा देती हूँ। हाँ, आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे कि बताया था, हमारे कितने टॉपिक्स हो गए अभी तक? तीन टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे। कौन कौन से? फर्स्ट हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड हो गया। उसके बाद हमारे बुद्धिस्ट भी कंप्लीट हो चुका है फ्राइडे को। इसके बाद आपका हमने आपकी डिमांड से हमने टाइमिंग वाइज किया है। हिस्ट्री का 10 बजे आएगा एज यूजुअल। इससे पहले हमने आपने वो कैप के ट्रिक्स देख ली होंगी। कैसे है आप बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे। आपसे टाइम के हिसाब से चलेगा, ठीक है? आप सबकी डिमांड के हिसाब से। आज से न्यू न्यू क्लासेस स्टार्ट हुए, इससे ट्रिक्स वगैरह आज ही स्टार्ट किया है मैंने, तो आप बताना कैसा है तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी। आज जैनिज्म से स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। आपको सही बताऊँ तो बुद्धिस्ट से कम इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जितने क्वेश्चन अभी बता रही हूँ वो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? जैनिज्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। पार्श्वनाथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है ये 23rd तीर्थंकरा है, तीर्थंकर है, ठीक है? 23rd पूछते हैं जैनिज्म में पार्श्वनाथ जो है कौन से तीर्थंकर में आते हैं। 23rd है। मैं जितना बोल रही जैनिज्म में सिर्फ उतना याद रखो, सच में गाइस बहुत है ये, ठीक है? आपको याद भी हो जाएगा, क्विज आप देते रहोगे टेलीग्राम में, आपको याद हो जाएगा। 23rd तीर्थंकर है। इनके फादर का नाम है अश्वसेना, वो काशी के रूलर थे। इनके पिताजी का नाम है अश्वसेना, काशी के रूलर थे। शासक कहाँ शासक करते थे? काशी में करते थे, ठीक है? इनकी माता का नाम है वामा देवी, वामा देवी। ये सब याद रखना, आपको आ सकता है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23rd। इनके फादर का नाम था अश्वसेना, कहाँ के शासक थे? काशी के। मदर का नाम क्या था? माता का नाम है वामा देवी, ठीक है? ना डॉक्टर आइन, जैन धर्म में क्या क्या बोला जाता है? सत्य मतलब आपको झूठ नहीं बोलना, डू नॉट स्पीक लाई। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, डू नॉट कमिट एनी वायलेंस। अस्थ्य, डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना। अप्रिय, डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति अग्रहण करना वो भी गलत है। ये सब बोला गया जैनिज्म में। अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं पूरा हम। उनके चाइल्डहुड नाम था वर्धमान, ठीक है? वर्धमान उनके चाइल्डहुड नेम था। पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 540 BC में हुआ था। इनका जन्म, महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम था वर्धमान, जन्म 540 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है? यहाँ पे पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महावीर स्वामी के बारे में। डिफरेंस पता जान लेना कि इनके पापा को उनके पापा का नाम के साथ रिलेट मत कर देना, MCQ में हो गया फिर तो काम। पार्श्वनाथ के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये 23rd तीर्थंकर थे और इन्होंने ये सब बताया था, सत्य, अहिंसा, स्टील ना, मतलब स्टील ना करना, चोरी नहीं करना, और किसी की प्रॉपर्टी ना कवर करना, ये पूछते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में चाइल्ड नेम था वर्धमान, बर्थ इनका 540 BC में हुआ। सिद्धार्थ, इनके पापा का नाम, किंग ऑफ गायत्रिदा रिपब्लिक, गणराज रिपब्लिक। मदर का नाम था त्रिशाला, त्रिशाला या त्रिशला, इनके मदर का नाम है। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा, यशोदा इनके वाइफ का नाम है, पत्नी का नाम यशोदा। इनका डॉट इनकी डॉटर भी थी प्रियदर्शन, प्रियदर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रियदर्शन ही आया था, ठीक है? इनके सन इन लॉ का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जमाली, क्यों आगे बताऊंगे। इनके दामाद का नाम क्या था? जमादी, जमाली, सॉरी जमाली, ठीक है? अब इन्होंने अपना घर कब छोड़ा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इन्होंने घर छोड़ा था 30 ईयर्स में, अपने 30 ईयर्स में इन्होंने घर का, परिवार का त्याग दिया।
है, उन्होंने 12 साल तक मेडिटेशन किया। कहाँ पे? 12 साल तक इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 12 साल के बाद इनको वो कैलव्य मतलब यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, 30 ईयर्स में घर छोड़ा था, यानी कि 42 ईयर्स में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्होंने पहले के जो चार, ये जो फोर डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है यानी कि, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, इसको इन्होंने माना। ये एक्सेप्टेड फोर डॉक्ट्राइन ये सारे इन्होंने माने थे। ठीक है, इस बात को इन्होंने माना, सिद्ध किया कि फोर डॉक्ट्राइन गिवन बाय अश्वनाथ। लेकिन इसी के साथ इन्होंने एक फिफ्थ भी ऐड किया जो कि बहुत ज़्यादा टफ था, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य इसमें इन्होंने ऐड किया फिफ्थ में क्योंकि तो बहुत टफ था। इन्होंने कहा ब्रह्मचारी के रूप में जोड़ा, ठीक है, फिफ्थ को, जो कि बहुत टफ माना जाता है। ऑब्वियस ही बात है, इस चीज़ किसी को भी ब्रह्मचारी करना, सबको त्याग देना, तब जाके मुक्ति मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा टफ काम है। तो इन्होंने ये भी ऐड किया, एग्जाम में आएगा। इन्होंने डॉक्ट्राइन में इन्होंने कौन सा ऐड किया है? ठीक है, इन्होंने 5 4 सिद्धांतों दी थी, तो फिफ्थ वाला कौन सा है ये पूछेंगे, तो उसमें क्या आएगा? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य रूप इन्होंने ऐड किया, जोड़ा है। नेक्स्ट है त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स। थ्री ज्वेल्स इसमें भी है, त्रिरत्न। क्या क्या है इसमें देखते हैं। राइट फेथ, सम्यक दर्शन। किसी पे राइट फेथ होना चाहिए, किसी पे आप बिलीव कर रहे हो तो आपको आपको अंदर से पता होना चाहिए, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप फेथ रखते हो, वो सही है, ऐसे होना चाहिए आपका। सेकंड है राइट नॉलेज, किसी भी चीज़ के लिए ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान तो प्राप्त करना एक दूसरी बात है, लेकिन जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो आपको एग्जैक्टली 100% आना चाहिए। गाइस मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये चीज़, किसी एक सब्जेक्ट को ले रहे हो उसको पूरा 100% करके चलो। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले पढ़ा, उसमें हमने 100% पढ़ लिया, इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे हमें उसका 100% करके चलना है, बेशक उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, तब जाके आपके फ़ायदा फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितना मर्जी MCQ कर लो, 1000 2000, कहीं ना कहीं से ऊपर से आना ही आना है। इसलिए पूरा सिलेबस करते हुए चलो, 100% राइट नॉलेज लो, पूरा नॉलेज लो, पूरा सम्यक ज्ञान लो, तब आपका पूरा फायदा होगा। ठीक है, ये बोला गया है। सेकेंड में राइट एक्शन, अगर आपको कोई मार रहा है, बदले में आपने एकदम से मार दिया, तो ये गलत है। क्या है पूरा रीजन जान के उसके बाद एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से आपको एक्शन नहीं लेना होता, सम्यक आचरण। ठीक है, एकदम से आपको एक्शन नहीं लेना होता, सोच समझ के एक्शन लेना होता है। आगे देखिए, ये देखना, ये देखो, हेवन, ह्यूमन, एनिमल, हेल, ऐसे चार टाइप्स में सोल रहता है। आत्मा या तो स्वर्ग में रहती है या नर्क में रहती है, एनिमल के अंदर रहती है या फिर ह्यूमन के अंदर रहती है। तो चार चीज ऐसा बताया गया। तो यहाँ पे एक और चीज बोला गया है, स्वादवाद, अनेकादवाद। ये पराचय परिचय किसने किए? महादेव ने किए। इसका इंट्रोड्यूस किसने किया? महावीर ने किया। ठीक है, सॉरी महादेव बोल दिया यहाँ पे, महावीर ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 72 एज में उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया। निर्वाणा मतलब इन्होंने खाना वाना छोड़ दिया। इन्होंने ये, इनके हिसाब से ये माना जाता है ये स्वर्ग में, हेवन में चले गए। इनकी डेथ हो गई 72 एज में। ठीक है, 468 BC, ये डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 72 एज में इन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया, ये इम्पोर्टेंट है। अब है जैन सेक्ट, बुद्धिज्म में था संप्रदाय, वैसे इसमें भी संप्रदाय होगा। इतने दो पार्ट में है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। बुद्धिज्म में क्या था, रिवाइज करना आप। जैनिज्म में दो पार्ट में डिवाइड है, दिगंबरा श्वेतंबरा। ठीक है, हाँ, DS ऐसे याद रख सकते हो, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर में क्या था, यहाँ पे अपने आप को जब निवस्त्र जो रखते हैं, अपने आप को जो नंगा रखते हैं,
उनको बोलते हैं, उनके लीडर कौन थे? भद्र प्रभु, भद्र बहु, आपको याद रखना ये चीज, भद्र बहु इनके लीडर का नाम था। ये हैं, ऐसे रहते हैं, निवस्त्र रहते हैं, नंगे रहते हैं, अपने आप को नेक रखते हैं। इनके लीडर थे भद्र बहु, ठीक है। उसके बाद है श्वेतांबरा, जो ये लोग वो होते हैं जो वाइट ड्रेस पहनते हैं, ये हैं वाइट ड्रेस पहनते हैं, मुंह से पट्टी बांध देते हैं। इनके लीडर थे स्थूला बहु, स्थूला बहु भद्र बहु, याद रखना है दोनों में डिफरेंस, भद्र स्थूला, ठीक है। स्थूला बहु को हम जैन लिटरेचर में क्या बोलते हैं? अघम भी बोलते हैं, याद रखना, अघम भी बोलते हैं। ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कौन से लैंग्वेज में लिखा है, कौन सी भाषा है? प्राकृतिक, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। और एक और बात है, ये जो है जो व्हाइट कपड़े जो पहनते हैं, ये मोस्टली नॉर्थ में पाए जाते हैं, और जो नेकड़े होते हैं वो साउथ में। जब ये साउथ गए थे तब तक यहाँ पे कुछ बीमारी आ गई थी नॉर्थ में, तो इन लोग ने सोचा कि व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं। और ये जब जा गए थे तो इनको पता चला कि ये तो व्हाइट कपड़े में है। इन्होंने दूसरा दो टाइप में इन्होंने संप्रदाय इन्होंने स्प्लिट कर दिया, एक है दिगंबम, एक है श्वेतंगम, ठीक है। जैन काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं हम अभी। जैन काउंसिल फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? दो काउंसिल हमारे, देखा इसे बैक नहीं जा रहा, मैं देख रही हूँ, वेट सेकेंड। हाँ गाइस, हम कहाँ पे थे? जैन के काउंसिल में थे। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? सॉरी गाइस, पता नहीं क्या कोई दिक्कत आ गई इसमें। हाँ, जैन काउंसिल, जैन काउंसिल के बारे में फर्स्ट कहाँ हुआ था? दो ही काउंसिल थे, वहां पे कितने काउंसिल थे कमेंट बॉक्स में बताना। बुद्धिज्म में ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैनिज्म में फर्स्ट काउंसिल कब हुआ था? टी 22 में। कहाँ पे हुआ था? जैनिज्म को याद रखना, पी वी, पी वी कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चेयरमैन कौन थे? सुतला बहु, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, सुतला बहु इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या निकल के आया इसमें, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। कंपाइल 12 अंगास, 12 अंगों का कंपाइल हुआ था यहाँ पे, कंपाइल करना शुरू हुआ था, ये हुआ था इसका परिणाम था, ठीक है। 12 अंगास के बारे में यहाँ बताया गया फर्स्ट काउंसिल में। सेकंड काउंसिल 512 में हुआ था। पी तो हो गया पाटलिपुत्र, वी है हमारा वल्लभी, जो कि गुजरात में है, गुजरात में है। अगर वल्लभ ही आया तो उसी को टिक करोगे, वो नहीं आया तभी गुजरात को करोगे, ठीक है। वैसे वल्लभ ही आ जाएगा। उसके चेयरमैन कौन थे? देवरिधि मणि, ये चेयरमैन थे। क्या आउटकम था, परिणाम क्या था? जैन लिटरेचर फाइनली कंप्लाइड, फाइनली जो जैन साहित्य है इसको कंपाइल्ड कब किया गया? उसको कंपाइल्ड कब किया गया? सेकेंड काउंसिल में किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो जमाली है, इनके जो सन इन लॉ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, अपने 42 ईयर्स में जैनिज्म में, तो फर्स्ट इनके जो शिष्य बने थे वो इनके सन इन लॉ लॉ ही थे फर्स्ट, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, ये पूरा हमारा जैनिज्म खत्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर इसलिए खत्म हो गया। आप आज ही एकदम न्यू चैप्टर करेंगे इसके बारे में, क्विज शाम को, इवनिंग इवनिंग में, इवनिंग में नाइट में, यस नाइट में आप 10 बजे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और भी क्लासेस आ रही है सबका आप देखना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना गाइस, शेयर करना, लाइक करना मत भूलना गाइस। बाय, टेक केयर।